सेवानिवृत्त आईपीएस राजीव रंजन सिंह समर्थकों के साथ शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने सबका पार्टी में स्वागत किया। लौह नगरी के सियासी अखाड़े में इसे एक और बड़े दिग्गज की एंट्री के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि राजीव रंजन भाजपा के टिकट के एक और दावेदार होंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सकता है कि उन्हें पार्टी कहां से चुनाव में उतारेगी। विधानसभा अथवा लोकसभा सीट की दावेदारी पर भी अब तक बात फिक्स नहीं है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक साथियों, हम बता दें कि पिछले साल लगभग एक साल 3 महीना पहले मैंने सेकेंड इनिंग की शुरुआत की थी। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने उसी दिन ठान लिया था कि ये सेवानिवृत्ति नहीं है बल्कि द्वितीय पारी का प्रारंभ है। और मैंने लगभग एक वर्षों से लगातार जमशेदपुर में सामाजिक क्षेत्रों में पाठशाला दर्शन से शुरू किया था अपना मुहिम, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग कैरियर लेक्चरर के रूप में थी, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं टीम में वो पढ़ाने की बात थी। मैंने शुरुआत किया और एक वर्षों में सबसे पहले मैंने अपने को जज किया कि मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी रिजाइन करके तुरंत आ जाते हैं पॉलिटिक्स में। मैंने एक साल का ब्रेक लिया अपने आप के लिए कि मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार हूं कि नहीं, क्योंकि आसान नहीं है, दोनों काम में बहुत अंतर है, दोनों काम में दृढ़ता। तो जब एक साल में मैंने अपने आप को देखा कि मैं तैयार हूं, तब पार्टी के रूप में जो पार्टी मेरे स्वाभाविक सिद्धांतों से मेल खाती थी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने उसका चुनाव किया और मुझे गर्व है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आज सम्मिलित हो रहा हूँ। आज के से जो सफर शुरू कर रहा हूँ, पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी, मैं उसका निर्वहन करते हुए आगे का सफर तय करूंगा। और बिल्कुल मेरा दामन बिल्कुल पानी की तरह स्वच्छ है और हमने बहुत निरपेक्षता से पूरे पुलिस की कैरियर लगभग 30 वर्षों का सफर तय किया है। झारखंड में भी लगभग 20 सालों तक कार्य किया है और आगे भी अब समाज सेवा में कार्य करने का पूरा पूरा अवसर है, जिसे मैं एक एक दिन उपयोग करना चाहता हूँ। जीवन के बहुमूल्य समय आपने देश की सेवा और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया था, लेकिन रिटायर के बाद भी एक टाइट नहीं है, बल्कि आज भी उसी तरह से अपने जीवन में सक्रियता दिखाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे ऐसे राजीव रंजन सिंह जी, काजल सहाय जी, आर के सिंह जी, पूर्व कांग्रेस के उपाध्यक्ष रांची महानगर के काजल सहाय जी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल अशोक कुमार, रिटायर्ड इंस्पेक्टर शैलेश कुमार जी अधिवक्ता, घनश्याम गोस्वामी जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, विनोद सिंह रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रमाकांत सिंह, भारत की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और जिस पार्टी के नेता दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले पार्टी में आप आए हैं। गंगा की तरह पवित्र है और उस पवित्रता को आप समझ करके पवित्र स्थान पर आए, पवित्र उद्देश्य के लिए आए हैं और पवित्र काम करने के लिए आए, इसलिए मैं आपको फिर से साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन आने के साथ साथ मुझे विश्वास है कि आपने लक्ष्य तय कर लिया है, और लक्ष्य क्या है? भारत माता की अर्चना करना। भारत माता की जब हम बोलते हैं जय, तो आत्मा से बोलते हैं, और भारत माता की पूजा का मतलब होता है गरीब की सेवा, वंचितों की सेवा, आदिवासी समाज की सेवा, दलित समाज की सेवा, और साथ साथ में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिसको दीनदयाल जी के शब्दों में कहा जाए तो अंत्योदय, जो समाज के अंतिम सीढ़ी में बैठे हैं, उनकी सेवा का आपने संकल्प लिया है। इसलिए आप एक भारत माता के सपूत की तरह आगे भी पार्टी की जो जिम्मेवारी मिलेगी,
चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे सैद्धांतिक हो, चाहे आंदोलनात्मक हो, सब में आप खड़े उतरेंगे, ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।